गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज़ में हम अब तक कई सारे वीडियोस बना चुके हैं। आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, कि आप एक सिविल मुकदमा कोर्ट में कैसे दायर करते हैं और इसका सिविल प्रोसीजर कोड में क्या प्रावधान दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 26 में। हमने बात की थी कि जो सेक्शंस में दे रखा है उसके बारे में जो प्रोसीजर बताया गया वो उसके रिस्पेक्टिंग ऑर्डर्स में बताया गया है। तो इसके साथ में हम ऑर्डर 4 को पढ़ेंगे। सेक्शन 26 भी किसकी बात करता है? आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, और ऑर्डर 4 भी। हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, एक किसी घर को लेकर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक घर है इनका, हाउस, उसको लेकर दोनों में डिस्प्यूट हो गया। तो एक्स और वाई क्या है? पार्टीज टू सूट हैं। तो ऑर्डर 1 किसकी बात करता है? पार्टीज टू सूट की। छोटा सा रिविजन करते हैं जिससे हमें कुछ ऑर्डर्स भी साथ साथ याद हो जाएंगे। देखिए, फिर इसको कहाँ जाने का, एक्स को कहाँ जाना है मुकदमा लेके? कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के लिए क्या लेकर जाना है उसको? अपना मुकदमा लेकर जाना है। मुकदमा लेकर जाना है तो उसे फ्रेम ऑफ सूट, अपना मुकदमा तैयार करना पड़ेगा। उसे कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उसे क्या रेमेडी चाहिए, कोर्ट चाहिए, उसको बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे आएगा? ये फ्रेम ऑफ सूट में आएगा, जहाँ वो अपने कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता है, एक से ज़्यादा रिलीफ को ज्वाइन कर सकता है, इस तरह से। इसके बाद क्या है, ये किसी एडवोकेट के पास जाएगा, इसको प्लीडर चाहिए। तो ऑर्डर 3 आपको बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स की। अब एजेंट क्या करे, वो प्लीडर क्या करेगा? आपका प्लीडर जो एडवोकेट है आपका, वो आपसे एक वकालतनामा साइन करवाता है। प्रैक्टिकली आपने कोर्ट में देखा होगा, वकालतनामे के बाद वो आपका केस प्रेजेंट करता है कोर्ट में और आपके लिए प्लेंट को ड्राफ्ट करता है। प्लेंट की हम बात कर चुके हैं, प्लेंट वाद पत्र को बोलते हैं, जिससे कि कोर्ट में आप अपने बारे में बताते हैं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, अपने कॉज ऑफ एक्शन को बताते हैं, किसने आपके साथ गलत किया उसके बारे में बताते हैं, डिफेंडेंट के बारे में, और आप क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या रेमेडी चाहते हैं कोर्ट से, वो बताते हैं आप। तो जब ऑर्डर 4 की हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आप दो पार्टीज हो गए हैं जिनके बीच में झगड़ा है, आप अपना सूट्स को फ्रेम कर दिया है आपके वकील ने, आपने वकील तैयार कर लिया है, प्लेंट आपका ड्राफ्ट हो गया है। अब प्लेंट ड्राफ्ट होने के बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो क्या आती है? कोर्ट में अपने केस को सबमिट करने के लिए। तो उसके लिए बना है ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखिए, अभी हम थोड़ा सेक्शन 26 की अगर अब बात करें, सेक्शन 26 क्या बोलता है, हम बेर एक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है आपका, ये किसके बारे में बात करता है? कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। देखिए, हमने जब डिक्री और ऑर्डर के बारे में देखा था, तो डिक्री और ऑर्डर के जब हम डिफरेंस की बात करें तो आपने देखा था कि डिक्री उसी सूट में दी जा सकती है जहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से आए हो। एप्लीकेशन से कभी कोई मुकदमा दायर नहीं होता है, किससे होता है? प्लेंट से होता है। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, आपको प्लेंट देना पड़ेगा तभी आपका मुकदमा माना जाएगा। और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इसका जो सबसेक्शन बी है वो क्या कहता है? सबसेक्शन बी यहाँ क्या बोल रहा है कि इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो जो जितने भी वो हैं आपके फैक्ट्स आपने दिए हैं वो एफिडेविट से प्रूव करने हैं। 1976 से पहले सबसेक्शन 2 नहीं था। सेक्शन 26 में ओनली आपका जो सबसेक्शन 1 आप देख रहे हैं, ये इसकी कोई नंबरिंग नहीं थी, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट था खाली इतना ही कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। बट इन 1976 फैक्ट्स के प्रूव करने के लिए एक एफिडेविट वाले क्लोज को जोड़ दिया गया, इसे सबसेक्शन 2 का नाम दिया गया। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में एक प्रोविजो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सच एन एफिडेविट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 15A। ऑर्डर 6 के रूल 15A, देखिए ऑर्डर 6 किसके बारे में बात करता है? वो जनरल प्लीडिंग्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एफिडेविट कैसा होना चाहिए, किस काम बताया गया आपको? प्लीडिंग के जो हम रूल पढ़ेंगे फर्दर ऑर्डर 6 में, वहाँ के रूल 15A में बताया गया है। इसको हम ऑर्डर 6 के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, ये तो था सेक्शन 26 की क्या होना चाहिए, अभी होगा कैसे, प्लेंट कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे केस रजिस्टर होगा, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? ऑर्डर बताएगा। तो ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट।
फ्रेंड्स, हमेशा आप एक कोशिश कीजिए कि आप जो सेक्शंस को पढ़ते हैं उसके साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर को भी पढ़िए। इससे आपको सीपीसी समझने में काफ़ी इजी होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले सारे ऑर्डर्स को सेक्शंस को पढ़ते हैं, फिर वो ऑर्डर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मत कीजिए। मेरे जितने वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सभी सेक्शंस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर के साथ पढ़ें, जिससे हमें दोनों चीज़ों का आपस में तालमेल है और समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो ऑर्डर फोर की मैं बात करता हूँ, तो ऑर्डर फोर के रूल वन में क्या कहता है कि सूट टू बी कमेंस्ड बाई प्लेन। यही बात हमारे सेक्शन 26 में भी कही थी, सब सेक्शन वन में, कि जो सूट है वो प्लेंट से ही शुरू होता है, प्लेंट आपको देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है सब रूल टू इसका, रजिस्टर ऑफ सूट। ऑर्डर चार में दो ही रूल है, रूल वन बात करता है प्लेंट के बारे में और रूल टू बात करता है रजिस्टर ऑफ सूट। रजिस्टर ऑफ सूट क्या होता है, कोर्ट में जब आप जाते हैं अपना मुकदमा लेकर तो प्लेंट आप देते हैं वहाँ पे अपना, तो रीडर को देते हैं। हम अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो रीडर आपसे प्लेंट लेता है, ठीक है, वो प्लेंट को चेक करता है, अगर उसे कोई एरर है तो वो आपको बताता है कि इसमें ये एरर हैं, इसको या तो पार्टी रिमूव करती है या थ्रू आप अपने एडवोकेट के उसको रिमूव करते हैं और दोबारा से प्लेंट ठीक करके देते हैं। जब वो प्लेंट को क्रॉस चेक कर लेता है तो वो विद द परमिशन ऑफ द जज आपके प्लेंट को रजिस्टर करता है। कहाँ पे एक रजिस्टर रहता है उनके पास, ईयर वाइज वहाँ सभी प्लेंट्स जिस ऑर्डर में आते हैं वैसे नंबरिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 238 सिविल सूट नंबर 238/2020, मतलब 2020 का वो 238वां केस, इस तरह से एक सूट सिविल सूट का नंबर दे देगा आप, वो सीरियल नंबर रजिस्टर में लिखा रहता है, इसको रजिस्टर ऑफ सूट बोलते हैं। ये कहाँ पर रहता है, कोर्ट में रहता है। अभी हम थोड़ा सा इन रूल्स को हल्का सा डिटेल में देखते हैं। रूल वन क्या कह रहा है, देखिए, सूट टू बी कमेंस्ड बाई प्लेंट, ये रूल वन कह रहा है। इसका क्या कहना है कि सब रूल वन क्या कहता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। देखिए, इन डुप्लीकेट आपको दो कॉपी में देना है, वहाँ पर डुप्लीकेट में देना है, और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ, कहाँ पर देना है, या तो कोर्ट में देना है या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इसके लिए अपॉइंट किया गया है। ये सब रूल वन कह रहा है। सब रूल टू क्या कहता है रूल वन का, कि एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। देखिए, ऑर्डर 6 किसकी बात करता है, प्लीडिंग के रूल्स की बात करता है कि भी प्लीडिंग्स कैसे होंगे, जिसमें प्लीडिंग्स, देखिए, इट कंटेन्स बोथ। ऑर्डर 6 का रूल वन ही ये कहता है कि प्लीडिंग कंटेन्स बोथ रिटन स्टेटमेंट एंड प्लेंट, दोनों को अपने इसमें लेता है ये। तो उसमें रूल्स बताए गए हैं कि कैसे प्लेंट आपका होना चाहिए। और ऑर्डर 7 जो है दैट स्पेसिफिकली रिलेटेड विद योर प्लेंट, कि प्लेंट में क्या होना चाहिए, प्लेंट कैसे लिखा जाएगा, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ये सारा आपको ऑर्डर 7 में बताया गया है। तो प्लेंट जो है ऑर्डर 6 और 7 के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी अधिवक्ता हैं, आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप किसी एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप, क्योंकि एक अच्छा प्लेंट ही एक अच्छे केस का बेस होता है। अब सब रूल थ्री क्या कह रहा है, कि द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल वन एंड टू। ये क्या कह रहा है कि जो सब रूल वन और टू है, यानी डुप्लीकेट में देना है, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के हिसाब से देना है, जब तक ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी आपके प्लेंट को नहीं लिया जाएगा, आपका केस आगे रजिस्टर नहीं होगा। अभी हम बात कर लेते हैं रजिस्टर ऑफ सूट्स की। देखिए, रजिस्टर ऑफ सूट्स में क्या होता है, जब प्लेंट लेकर जाते हैं तो प्लेंट में अपना कॉज ऑफ एक्शन देते हैं, रेमेडी देते हैं, और एक कोर्ट फी भी पेश करते हैं साथ में। कोर्ट फी भी तो आपको पे करनी पड़ेगी, कोर्ट की फीस देनी है आपको, तभी आपका मुकदमा आगे जाएगा। तो रजिस्टर ऑफ सूट में क्या होता है कि द कोर्ट सेल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी इंटर्ड इन ए बुक। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें वो इंटर करता है पर्टिकुलर्स ऑफ द एवरी सूट, एंड टू बी कैप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। और इसको क्या बोला जाता है, सिविल सूट का रजिस्टर बोला जाता है। सच एंट्री शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड। जैसे जैसे वो प्लेंट लेते रहते हैं, हर एक ईयर वाइज उसका एक लिस्ट बनता है उसमें, और उसी हिसाब से आपके सिविल सूट के नंबर दिए जाते हैं। जब आप ये दे चुके होते हैं तो देने के पश्चात क्या है कि आपको विद इन ए वीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, कि आपको 7 दिन के अंदर, ये यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, 7 डेज
ठीक है, 7 डेज के अंदर आपको प्रोसेस फी देनी है। क्या देनी है? प्रोसेस फी देनी है, पीएफ जमा करानी। प्रोसेस फी किस लिए देनी है? फॉर इश्यूएंस ऑफ समन। समन तभी इशू करेगा जब आप विद इन 7 डेज, जैसे मान लीजिए आज के दिन आपका प्लेंट कोर्ट ने ले लिया, तो आपको आज से 7 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस फी कोर्ट में जमा करा देनी है, सो दैट कि कोर्ट आपके डिफेंडेंट को समन इशू कर सके। और मान लीजिए जितने आपके डिफेंडेंट है, देखिए यहाँ पे दो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होते हैं। अगर हम रूल वन की बात करें, रूल वन सब रूल वन क्या बोलता है कि इट मस्ट बी गिवन इन डुप्लीकेट, कि भी इसको दो कॉपी में देना है आपको डुप्लीकेट के साथ। लेकिन मान लीजिए आपके डिफेंडेंट पांच हैं, हम मान लेते हैं आपके डिफेंडेंट पांच हैं, छः हैं, जितने भी हैं, लेट इट बी नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट हैं, जब आप प्रोसेस फी देते हैं उतनी ही कॉपी प्लेंट की और आपको देनी होती है प्रैक्टिकली कोर्ट में, क्योंकि जब समन जाता है समन के साथ में इंक्लोज की जाती है कॉपी ऑफ द प्लेंट। इसको हम ऑर्डर 5 जब स्टडी करेंगे तो समन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। समन्स का जो है ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 एंड 28, 29, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप अधिवक्ता हैं तो उसलिए भी, ये भी फिर भी आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाएगा। तो आप इस वीडियोस को देखते रहिए। ये आज का वीडियो यहीं तक है। तो यहाँ आपने हमने देखा कि सिविल सूट कैसे इंटर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मेथड ऑफ वीडियोस में कुछ चेंज किया जाए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक अच्छा लीगल एस्पेक्ट, लीगल नॉलेज को गेन करते रहेंगे, और मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ हैं कि आप अपने एग्जाम्स में और भी अच्छा कर पाएँ। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।